मुंबई जा रहे हैं आप, राष्ट्रीय महाधिवेशन बहुत शांतिपूर्वक और निपटा भी संपन्न हुआ। सारे हमारे देश के राष्ट्रीय नेता आए थे और सब लोगों ने छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का जो अपनापन है, प्रेम है, वो लेके पूरे देश भर गए हैं। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रदेश के हमारे जितने मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायकगण हैं, संगठन के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उसके अलावा भी अन्य साथी जो इसमें लगे हुए थे, पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने बहुत बढ़िया कवरेज किया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी पूरा व्यवस्था बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से संचालित किया। उसके लिए सभी हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई। पहली बार हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए हम सब के लिए गर्व की बात है। ये बीजेपी लगातार महाधिवेशन को रोकने की कोशिश में कार्रवाई हुई, अधिवेशन के पहले, उसके बाद दफ्तरों पर कार्रवाई की गई। हम वहीं तक नहीं रुके, पहले तो हमारे पदाधिकारी विधायकों के यहाँ छापा डाले, उसके बाद विभागों में छापा डाले। अभी कोल स्कीम कहते हैं भाई, तो लेबर डिपार्टमेंट से क्या लेना देना उनका, लेकिन वहाँ गए। इन्वायरमेंट का क्या लेना देना, वहाँ गए। उसके बाद जो वेंडर है उसके घर चले गए, 4 घंटा 5 घंटा बिना, अब पता नहीं कौन था वो ईडी वाले थे या नहीं थे। ईडी वाले होते तो नोटिस दे के जाते, लेकिन बिना नोटिस दिए गए उसके घर बैठे रहे। मतलब रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े थे। तो सब कुछ संपन्न हो गया बढ़िया से, तो छत्तीसगढ़ के सुख शांति के लिए, और ये भाजपा वालों को सद्बुद्धि दे, इसके लिए आज विनायक, सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उन्हें सता रही समझना चाहिए। ये उन राज्यों में नहीं जाना चाहिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सीधा कांग्रेस टक्कर दे रही है, वो हराने चले जाते हैं। अपने यहाँ तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी मदद करने पहुँच जाते हैं, उनको भी सद्बुद्धि दे, ये सिद्धि विनायक से प्रार्थना करूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक सेल है ना, अफवाह फैलाओ, वो सक्रिय रहती है, वो गणेश जी को पूरे देश भर में दूध पिला देती है। ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमेटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति, वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को रमन सिंह से पूछ लेना चाहिए, उन्हीं गृह जिले का है ये माला के वहीं बनती है, प्रिमेटिव टाइप से। मैं अकबर जी से कहा कि यह सूत की माला से, फूल की माला से तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन प्रिमेटिव टाइप्स के जो बनाते हैं वो माला मंगवा सकते हो क्या? तो उन्होंने फिर दर्जनों माला लिया है, मैं सबका स्वागत किया, खड़गे साहब से लेके सोनिया जी, राहुल जी, सबका स्वागत उसी माला से मैंने किया। जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी सदस्य थे उनका भी स्वागत उससे किया। अब बोले वो सोने का, अरे सोने से भी ज़्यादा कीमती है ये चीज़, दूसरी जगह नहीं मिलेगी जो हमारे छत्तीसगढ़ के बेगा प्रिमेटिव टाइप से जो बनाते हैं, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। सर, भाजपा आज से गायों के साथ सेल्फी ले रही है और नमो ऐप में डाल रही है। हाँ, उनको कम से कम आर एस एस में भर्ती करना भी शुरू करवा दे, उसमें पदाधिकारी बना दे, कब सरसंघ चालक किसी महिला को बनाएंगे वो भी कर ले थोड़ा सा। सर, क्या महंगाई और बेरोजगारी वाले महिलाओं के साथ भी उनको सेल्फी लेना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, इनको उन महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेकर डालना चाहिए। थैंक यू। अब देखो ऐसा है, अब राहुल जी के बारे में जितना अफवाह फैलाना था वो फैला चुके, लेकिन जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद वो कितना भी ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, राहुल जी छवि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।